नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइगर एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का हमारा राजस्थान जी के आर्ट्स एंड कल्चर का टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। जी हाँ दोस्तों, ये कोई से भी एग्जाम हो, चाहे आप कृषि पर्यवेक्षक की, राजस्थान पुलिस की, ग्रुप डी की, रेलवे की, जो भी एग्जाम हो दोस्तों, पटवारी की, सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं की। दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान के पंचपीर, जी हाँ राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपको बताना है बाबूजी महाराज, गोगाजी महाराज, रामदेव जी, हड़बू जी, उसके अलावा दोस्तों मिहाजी। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान के पंचपीर हैं, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि पंचपीर, तो दोस्तों आपको ये बताना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे लोक देवताओं की तरफ। तो दोस्तों, हमारे लोक देवता हैं बाबूजी महाराज। जी हाँ दोस्तों, बाबूजी महाराज, आज हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे इनकी फ़ोटो, आप बाबूजी महाराज की। दोस्तों, बात करते हैं इनके जन्म की। तो दोस्तों, इनका जन्म कोलूमंड गांव फलोदी तहसील जोधपुर में हुआ। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, इनका जन्म कोलूमंड गांव फलोदी तहसील जोधपुर में हुआ। दोस्तों, इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। जी हाँ दोस्तों, ये राठौड़ वंश के लोक देवता हैं। और बात करें इनकी माता का, तो इनका माता का नाम कमला देव है, पत्नी का नाम फूलन दे था, याद रखना दोस्तों। दोस्तों, जो बाबूजी महाराज है, मेवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय है वो दोस्तों बाबूजी महाराज को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊँट लाए थे वो बाबूजी महाराज लेकर आए थे, इसलिए दोस्तों इनको ऊँटों के देवता। इसके अलावा दोस्तों, ऊँटों में एक बीमारी होती है पशु प्लेग, तो दोस्तों उसके रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना दोस्तों। ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? बाबूजी महाराज को। और प्लेग रक्षक देवता वो भी बाबूजी महाराज को कहा जाता है। बात करें दोस्तों, बाबूजी महाराज को लक्ष्मण जी का अवतार, जी हाँ दोस्तों याद रखना, लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। वहीं दोस्तों, बात करें इनकी जो घोड़ी है, उस घोड़ी का नाम दोस्तों केसर काल में है। जी हाँ दोस्तों, केसर काल में घोड़ी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो बाबूजी की फल है वो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फल है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय फल बाबूजी महाराज जी के फल है। और इस फल का वाचन करते हैं भील जाति के भोपे। जी हाँ दोस्तों, इस फल का वाचन भील जाति के भोपे करते हैं। और इस फल के वाचन के समय रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखना दोस्तों। एक तो बाबूजी महाराज और एक रामदेव जी, जी हाँ, एक बाबूजी महाराज और एक रामदेव जी, दोनों के फल के वाचन करते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, याद रखना दोस्तों। दोस्तों, बात करें जो ऊँट पालक जाति होती है, राई का जाति, रेवारी जाति या देवासी जाति, ये जो दोस्तों ऊँट पालक जाति है वो बाबूजी महाराज को अपना आराध्य देवता मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आ सकता है कि राई का जाति, रेवारी जाति या देवासी जाति या ऊँट पालक जाति किस लोक देवताओं को अपना आराध्य देवता मानते हैं, तो वो दोस्तों बाबूजी महाराज हैं, याद रखना। बात करें दोस्तों, बाबूजी महाराज देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए, जी हाँ दोस्तों, इन्हें गायों का रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये महाराज हमेशा गायों की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। बाबूजी महाराज ने देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई जीजराव खींची से छुड़वाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो केसर काल में घोड़ी है, ये दोस्तों देवल चारणी की घोड़ी थी, जिस पर बाबूजी महाराज के बहनोई देवराज खींची की नज़र थी कि ये घोड़ी उसे दे दे, लेकिन देवल चारणी ने ये घोड़ी उन्हें ना देकर बाबूजी महाराज को दी थी, जिसके कारण इनके बहनों जीवराव खींची ने देवल चारणी की गायों को अगवा कर लिया। उसके बदले में देवल चारणी ने बाबूजी महाराज से अपने गायों को बचाने की गुहार लगाई, तब जाके बाबूजी महाराज, ऐसा कहा जाता है कि ये अपने शादी में चार ही फेरे हुए थे, अपने फेरों से उठकर देवल चारणी जी की गायों की रक्षा के लिए अपने बहनों जीजराव खींची से युद्ध करने के लिए चले गए, और युद्ध में लड़ते हुए इन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दे दिया। जी हाँ दोस्तों, ये अपने बाबूजी महाराज, यहाँ तक बात हो चुकी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, बात करें बाबूजी महाराज जी का मेला। जी हाँ दोस्तों, तो इनका मेला कोलूमंड जोधपुर में होली के 15 दिन बाद चैत्र अमावस्या को लगता है, याद रखना दोस्तों। बाबूजी महाराज का मेला कोलूमंड जोधपुर में होली के 15 दिन बाद चैत्र अमावस्या को लगता है दोस्तों। ये दोस्तों हमने बाबूजी महाराज जी की बात कर ली। इसके बाद दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट लोक देवता आते हैं वो हैं दोस्तों गोगाजी महाराज। जी हाँ दोस्तों, गोगाजी महाराज। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, आप स्क्रीन पर गोगाजी महाराज जी की फ़ोटो देख पा रहे हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, गोगाजी महाराज जी का जन्म
वो हुआ था ददरेवा चूरू गांव में, ददरेवा चूरू जो राज चूरू जिला है वहाँ पे हुआ था गोगा जी का जन्म। और जो दोस्तों इनके पिता हैं वो है जेवर सिंह चौहान, ये दोस्तों चौहान वंश के राजपूत थे गोगा जी महाराज। इनकी माता का बात करें तो दोस्तों इनकी माता थी बाचल, वे इनकी पत्नी का नाम केलम दे था, याद रखना दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सांपों के देवता या सर्प रक्षक देवता किसे कहा जाता है। दोस्तों सांपों के देवता या सर्प रक्षक देवता गोगा जी महाराज को कहा जाता है। वहीं दोस्तों इन्हें हिंदू नागराज के नाम से भी बुलाया जाता है, याद रखना दोस्तों। दोस्तों बात करें गोगा जी को मुस्लिम पुजारी चायल कहते हैं, जी हाँ दोस्तों गोगा जी को मुस्लिम पुजारी चायल के नाम से बुलाते हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों गोगा जी को मोहम्मद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि दी थी। जहार पीर की उपाधि दोस्तों क्यों दी थी मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गजनवी वे गोगा जी महाराज के बीच एक युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी महाराज के युद्ध कौशल को देखकर गोगा जी महाराज को जहार पीर की उपाधि दी थी, याद रखना दोस्तों जहार पीर की उपाधि दी थी। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम, एक तो होता है जहार पीर, इसकी उपाधि दी थी गोगा जी महाराज को, और एक होता है दोस्तों पीरों के पीर, पीरों के पीर, तो दोस्तों उसकी उपाधि दी थी रामदेव जी को, याद रखना दोस्तों। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जहार पीर की उपाधि दी थी गोगा जी महाराज को और पीरों के पीर की उपाधि दी थी रामदेव जी को। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों बात करें गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी। दोस्तों ये शीर्ष मेढ़ी क्या होता है, जब गोगा जी महाराज जी का युद्ध मोहम्मद गजनवी के साथ हो रहा था तो उनका शीर्ष वो ददरेवा चूरू में जाकर पड़ा था, तो वहाँ पे उनकी शीर्ष मेढ़ी बनाई गई थी। इसी के अलावा दोस्तों बात करें इनके धड़ मेढ़ी, तो इनका जो धड़ है वो हनुमानगढ़ जिले में जाकर पड़ा, इसलिए वहाँ पे धड़ मेढ़ी। मेढ़ी क्या होता है दोस्तों, गोगा जी महाराज जी का जो थान होता है वो मंदिर होता है उसे हम मेढ़ी कहते हैं, याद रखना। शीर्ष मेढ़ी तो थी दोस्तों चूरू में और जो धड़ मेढ़ी थी वो हनुमानगढ़ में, ठीक है दोस्तों स्थित है। इसके अलावा दोस्तों बात करें गोगा मेढ़ी, दोस्तों गोगा मेढ़ी मंदिर, तो मैं आपको बता दूं गोगा मेढ़ी मंदिर है वो दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है, और इस मंदिर की जो आकृति है वो मकबरे नुमा है। जी हाँ दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है किस लोक देवता महाराज जी के मंदिर की आकृति मकबरे नुमा है, तो वो दोस्तों अपने गोगा जी होंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों इनके मंदिर की जो आकृति मकबरे नुमा है जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और इनके मंदिर पर बिस्मिल्ला अंकित है, याद रखना दोस्तों इनके मंदिर पर बिस्मिल्ला अंकित है। इसके अलावा दोस्तों बात करें दोस्तों जो किसान होते हैं वो खेत की जुताई से पूर्व अपने हलों पर गोगर रखड़ी बांधते हैं, याद रखना दोस्तों किसान खेत की जुताई से पूर्व अपने हल पर गोगर रखड़ी बांधते हैं और उस रखड़ी में 9 गांठें लगाई जाती हैं। किसान जब अपने हल की पूजा करता है तो अपने हल पर गोगर राखी बांधता है और उस राखी की 9 गांठें लगाई जाती हैं, याद रखना दोस्तों। गोगा जी के थान का स्थान, जी हाँ दोस्तों याद रखना, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो गोगा जी का थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे माना जाता है। इस पे दोस्तों एक कहावत भी है कि गाँव गाँव गोगा, गाँव गाँव खेजड़ी, जी हाँ दोस्तों याद रखना कि गोगा जी के जो थान का स्थान है वो खेजड़ी वृक्ष को माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूं जो इनकी घोड़ी थी तो वो दोस्तों नीली घोड़ी थी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों जो कल का हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी, जी हाँ दोस्तों इनके बारे में कल हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा भी दोस्तों हमने हमारे चैनल पर राजस्थान जीके की इससे पहले काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।